केंद्र सरकार द्वारा जो ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार की कई योजनाएं हैं, इसमें प्रमुख रूप से पूरे भारत में एक 12 डिजिट का इनको कोड दिया जाता है। वार्ड 57 में निःशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनाने का लगा शिविर। 16 से 59 वर्ष तक के पात्र महिला पुरुषों के बनाए जा रहे कार्ड, केंद्र सरकार की योजनाओं का मिलेगा लाभ। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई ई श्रमिक कार्ड स्कीम के तहत शनिवार को वार्ड नंबर 57 तोपदड़ा इलाके में ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए स्थानीय पार्षद रणजीत सिंह के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के मजदूर वर्ग के श्रमिक कार्ड निःशुल्क बनाए गए। पार्षद रणजीत सिंह ने बताया कि ई श्रमिक कार्ड योजना से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को फायदा होगा। इस कार्ड की खास बात यह है कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जो भी योजनाएं होंगी, श्रमिकों को उनका फायदा मिलेगा। इस कार्ड को लेकर मजदूर अगर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तो उन्हें अपनी स्किल के आधार पर वहां काम करने का मौका भी मिलेगा। जिन श्रमिकों के पास श्रमिक कार्ड उपलब्ध होगा, उन्हें उनके परिवार को घर, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, बीमा, प्रसूति के दौरान मदद मिल सकती है। इसके अलावा राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही 2,00,000 रुपए की बीमा योजना का भी लाभ मिल सकता है। किसी जगह ये शिविर लगाया गया क्या? आज वार्ड 57 में केंद्र सरकार द्वारा जो ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें सरकार की कई योजनाएँ हैं, इसमें प्रमुख रूप से पूरे भारत में एक 12 डिजिट का इनको कोड दिया जाता है, जिससे ये जाके कहीं पे भी अपने प्राइवेट काम करके, और इसमें जो मुख्य रूप से है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है और मजदूरी करते वक्त उसकी मौत हो जाती है, तो इसमें जो नॉमिनी है उनको 2,00,000 रुपए तक का इनको केंद्र सरकार द्वारा इसमें फ़ायदा दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर किसी का अंग भंग हो जाता है, उसमें 1,00,000 रुपये तक की इनकी सहायता दी जाती है। इसमें कुछ चिन्हित व्यक्ति है जिनको नहीं, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हो, उनके अलावा जो भी इसमें कामगार महिलाओं को भी केंद्र सरकार ने फ़ायदा दिया है। आज हमारे वार्ड 57 में पार्षद कार्यालय पर हमारे अनिल जी है, ई मित्र वाले, उनके सहयोग से, यहाँ के क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक कैंप लगाया गया है, जिसमें आम जनता को निःशुल्क ई श्रमिक कार्ड बनाकर उपलब्ध किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे क्या? वार्ड 57 के अंदर आज ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, निःशुल्क बनाए जा रहे हैं, जिसमें 16 साल से लेकर 59 साल के व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कोई भी निःशुल्क आकर बनवा सकता है। इसमें किस तरह के फायदे हैं? इस कार्ड को बनाने के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है, राशन कार्ड चालू करवाना है या कोई भी NFS से संबंधित कोई भी स्कीम आती है, वो निःशुल्क रहेगी। लोन वगैरह? जी, लोन वगैरह, लोन के लिए इस कार्ड को बनवाने के बाद लोन 50,000 का जो लोन के इंदिरा गांधी अर्बन का क्रेडिट कार्ड योजना जो चल रही है, उसके तहत इस कार्ड को बनाने के बाद वो भी यूज़ कर सकते हैं।